नमस्कार दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम अपने चैनल द स्पीड अनबॉक्सर में आपका स्वागत करते हैं। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर लीजिए। और एक चीज और, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। हम लोग जो है इंग्लिश में पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पहले वीडियो में जो सिंपल चीज थी कि कैसे टेंस बदला जाएगा ये पढ़ा था। दूसरे में हमने पढ़ा था कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो उसका टेंस जो है कैसे जो है लिखा जाएगा, उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हुए कि जब हमको जो है जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो कोई भी टेंस हो, यानी पास्ट टेंस में हो, और उसके बाद फिर जो है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं आज हमको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे रिपोर्ट जब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में था तो उसमें हमने बताया था कि से को टेन में और सेज मतलब से टू को टेन में और सेज टू को टेंस में बदल देते हैं। उसी तरह जो है इसमें क्या करेंगे, सेज टू को जहां पे हमारा सेज टू रहेगा वहां पे हम बोल्ड का प्रयोग कर देंगे और कॉमा यूनिट का वहां डालने के लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, ही सेड टू मी कॉमा यूनिट कॉमा आई एम वेटिंग ए लेटर। तो देखिए ही सेड टू मी, तो सबसे पहले हमने बताया कि सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, यानी कि ही टोल्ड मी, और कॉमा यूनिट कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे आई, और हमने बताया कि अगर जो चीज दिया रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के स्टार्टिंग में, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्टार्टिंग में देखिए क्या है, तो यहां देख रहे हैं आई है, आई हमारा प्रेजेंट मतलब फर्स्ट पर्सन है तो इसीलिए ये किसके अनुसार कार्य करेगा, ही के अनुसार कार्य करेगा, तो दैट ही। उसके बाद फिर इज आर एन हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, तो ही वाज राइटिंग ए लेटर, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे अगला ही सेड टू मी कॉमा यूनिट कॉमा आई हैव बीन टू मुंबई, तो ही सेड टू मी, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा यूनिट कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट। फिर यहां पे देखिए आई है और आई किसके अनुसार बदलेगा, हमारा सब्जेक्ट के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब में है, तो दैट ही, और उसके बाद फिर हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में बदल देते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा ही हैज बीन टू मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सी सेड टू मी कॉमा यूनिट कॉमा आई शैल रिकवर सून, तो सी सेड टू मी, तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, यानी कि सी टोल्ड मी, मतलब उसने मुझसे बताया, कॉमा यूनिट कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार चलेगा, तो सी, उसके बाद शैल, तो सी विल रिकवर सून। फिर अगला क्वेश्चन है कि डैन सेड टू मी कॉमा यूनिट कॉमा ही इज नॉट ए थीफ, तो हमने देखा कि यहां पे क्या है इज, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, अर्थात ये हो जाएगा राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमा यूनिट कॉमा हटाने के लिए दैट, ही फर्स्ट पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नोचे, तो दैट ही इज आर एन का वाज बेयर होता है, तो ही वाज नॉट ए थी। ठीक, आगे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट कॉमा यूनिट कॉमा यू डिड नॉट डू योर ड्यूटी वेल, तो इसका क्या हो जाएगा, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, यानी कि द मास्टर सेड टू को टोल्ड द सर्वेंट कॉमा यूनिट कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू, यू हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा है द सर्वेंट। ठीक, तो दैट, उसके बाद फिर द सर्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, ही
और चूंकि द सर्वेंट है, अभी किसके लिए लगाया गया है, सर्वेंट के लिए कि मास्टर के लिए, तो यहाँ पे अगर हम लिखना ना चाहें तो ही के बाद ब्रेकेट के अंदर लिख सकते हैं द सर्वेंट। ठीक, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी सही रहेगा। तो ही, उसके बाद डिड नॉट, तो चूंकि हमने बताया था कि ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड नॉट डू, तो ही हैड नॉट डन। उसके बाद योर लिखा है और योर किसके लिए लगा है, यहाँ पे यू था तो योर, और उसी तरह योर किसके अनुसार बदलेगा द सर्वेंट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा डन हिज ड्यूटी वे। ठीक, ये चीज हो जाएगा, यानी कि द मास्टर सेड द टोल्ड द सर्वेंट दैट ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटी वे। जैसे आगे ही सेड का मैं रोटी का ना आई कैन स्विम, तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन है, तो ही और कैन का क्या हो जाएगा कुड स्विम। ठीक, तो ये चीज है कि कैसे बदलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अभी हम लोग सिंपल चल रहे हैं, जब हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, पहले जब सब खत्म कर देंगे टॉपिक वाइज, तो एडवांस लेवल पे जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए, इसके बाद क्या नियम है, आगे देखिए। जैसे अभी तक हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे कि अगर साधारण वाक्य दिया गया हो तो कैसे बदलते हैं, जैसा कि अभी देखा। अगला है कि अगर हमको मान लीजिए कि कोई, जैसे हमने एक चीज बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्क हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो उसका टेंस नहीं बदलता है। ठीक, ये तो हमने एक चीज बताई थी। आज उसी कड़ी में आगे देखिए कि टेंस कब नहीं बदलता है। तो जब अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया गया, कोई सार्वभौमिक सत्य दे दिया गया, हैबिचुअल फैक्ट दे दिया गया, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे दिया गया, या कोई इमेजिनेशन कंडीशन दे दी गई, तब भी टेंस नहीं बदलता। जैसे कि अगर कह दिया गया कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो वो चाहे जो कहे हमेशा के लिए सत्य है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। कोई कह दे दो और दो चार होते हैं, तो वो सत्य है, जो चीज सत्य है उसका टेंस भी नहीं बदलता है। तो जैसे द टीचर सेड कामेन विलकमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, अध्यापक ने कहा कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है, तो इसका जब हम बदलेंगे द टीचर, उसके बाद सेड को सेड दैट, कामा रेड कामा हटाने के दैट का प्रयोग कर देंगे। अब चूंकि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सत्य है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे द सन राइजेस इन ईस्ट। अगर अभी यहीं पे जो है कोई हमारा नाउन या प्रोनाउन होता, तो नाउन या प्रोनाउन हमारा वैसे ही बदलता 123 बटे सन के अनुसार, केवल टेंस नहीं बदलेगा, यही याद रखिएगा आप लोग। जैसे द हिस्ट्री टीचर से द ग्रेट एम्पर हैज ए सन जहांगीर, तो द हिस्ट्री टीचर सेड द ग्रेट अकबर है ए सर जहांगीर, तो इसका क्या हो जाएगा द ग्रेट अकबर, चूंकि अकबर ये एक हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री का पॉइंट है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही उतर जाएगा द ग्रेट अकबर है ए सर जहांगीर। फिर आते हैं ही सेड कामेन विलकमा इफ आई वर ए किंग आई वुड गिव ए गोल्ड कॉइन एवरीवन, यानी कि यदि मैं राजा होता तो मैं सबको एक एक सोने के सिक्के देता। तो ये भी एक कल्पना की जा रही है, और अगर कोई कल्पना हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई तथ्य हो, कोई सार्वभौमिक तथ्य हो, कोई ऐतिहासिक बात हो, तो उसमें जो है टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, तो ही सेड दैट। उसके बाद इसको पूरा पूरा ऐसे लिख लेंगे दैट इफ आई वर किंग आई वुड गिव यू ए गोल्ड क्वाइन एवरीवन। ठीक, इसको कोई टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा। उसी तरह ये है ही सेड टू मी, यानी कि ही टोल्ड मी दैट टू एंड टू
makes four. ठीक, अब ये हम लोग बेसिक चल रहे हैं, बेसिक में सभी चीजें हम साधारण तरीके से एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में वो सारी चीजें और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आगे हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो।